फिट इंडिया मूवमेंट के तहत 21 सितंबर से शुरू हुए अभियान कांगड़ा कॉलेज के छात्र अक्षय ने साइकिल पर शिमला तक चलाए। इस अभियान में नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक कर रहे और संदेश दे रहे हैं कि नशे से दूर रहें। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि युवा खेलों के प्रति भागीदारी सुनिश्चित करें, जिससे युवा नशे से दूर रह सकते हैं और उनका शरीर भी स्वस्थ रह सकता है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत 21 सितंबर से शुरू हुए अभियान कांगड़ा कॉलेज के छात्र अक्षय ने साइकिल पर शिमला तक चलाया। इस अभियान में नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि नशे से दूर रहें। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि युवा खेलों के प्रति भागीदारी सुनिश्चित करें, जिससे युवा नशे से दूर रह सके और उनका शरीर भी स्वस्थ रह सके। उन्होंने कहा कि आज के युवा मोबाइल फोन के साथ अधिक समय बिता रहे हैं, जिसके परिणाम आने वाले समय में घातक होंगे। उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट साइकिलिंग यात्रा के तहत युवा वर्ग व अन्य लोगों से अपील की है कि प्रदेश में बढ़ रहे घातक चिट्टे जैसे नशे से दूर रहें व दूसरों को भी नशे से दूर रहने का संदेश दें, ताकि फिट इंडिया मूवमेंट अभियान के तहत प्रदेशवासी फिट रह सकें। ये जो मेरा मार्च था, ये 21 सितंबर गवर्नमेंट कॉलेज देहरी से चला था। ये वर्ल्ड पीस डे पे चला, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था फिट इंडिया मूवमेंट, और दूसरा से नो टू ड्रग्स। मैं फिट इंडिया मूवमेंट के तहत युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अधिक से अधिक खेलों की ओर आए, ताकि वो फिट रहें। हमारा जो युवा है वह अधिकतर पबजी वगैरह मोबाइल्स पे ज़्यादा व्यतीत कर रहा है, और जो सुविधाएं हैं बाइक्स हैं इनका अधिक उपयोग कर रहा है। और दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि जो हमारा युवा नशे की ओर जा रहा है, वो नशे की ओर ना जाके खेलों की ओर आए, जिससे देश का विकास हो, देश की उन्नति हो। ये जो मेरी यात्रा थी, ये 21 सितंबर वर्ल्ड पीस डे पे चली। ये द भारत स्काउट एंड गाइड की तरफ से किया जा रहा है। ये जो यात्रा थी, ये 21 सितंबर गवर्नमेंट कॉलेज देहरी कांगड़ा से चली थी, और ये शिमला तक चलेगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो फिट इंडिया मूवमेंट है, और इसमें मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो अधिक से अधिक खेलों की ओर आए, ताकि हमारा देश उन्नति की ओर जाए, फिट रहे, और जो बीमारियों से ग्रस्त ना हो।